आतंकी हमले से ये इलाका दहल उठा। रियासी जिले के पौनी इलाके में श्रद्धालुओं से भरी बस आतंकी हमला हुआ। बस पर यह आतंकी हमला किया गया है जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई जबकि 33 तीर्थ यात्री घायल हो गए। दरअसल बस श्रद्धालुओं को लेकर शिव खोड़ी गुफा तीर्थ स्थल से कटरा लौट रही थी और तभी बस पर आतंकियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। फायरिंग के बाद बस का बैलेंस बिगड़ गया और बस खाई में जा गिरी जिससे 10 लोगों की मौत हो गई है और 33 लोग घायल है। तो ये देखिए हादसे की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से खाई में जब बस गिरी उसके बाद वहां पर लोग पहुंचे और रेस्क्यू करने की कोशिश की गई। रियासी के जंगलों में ये हादसा हुआ है। तस्वीरें अलग अलग आपको दिखा रहे हैं। आतंकी हमला और इस पर अब देश में गुस्सा भी है। बस पर फायरिंग की गई जिसके बाद बैलेंस बिगड़ा और खाई में तीर्थ यात्रियों से भरी बस जा गिरी जिसमें 10 लोगों की जान चली गई है। और जानकारी जो अभी है कि 33 लोग जो कि घायल बताए जा रहे हैं। अजय बाछलू मेरे सहयोगी रियासी से इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजय, क्योंकि एक बड़ा आतंकी हमला जिसमें 10 लोगों की जान भी चली गई है, जो लोग घायल हैं क्योंकि ये आंकड़ा भी 33 है, क्या अपडेट है इस खबर पर? देखिए, इस हमले में 33 लोग घायल हुए हैं। जो बस है मेरे ठीक पीछे यहीं से शिवखोड़ी से कटरा की तरफ जा रही थी और आगे एक टर्न पर जैसे वो बस पहुंची तो वहां आतंकी घात लगाकर बैठे थे और उन्होंने इस बस पे फायरिंग कर दी। जहां तक आपने घायलों की बात की है, तुरंत 6:10 पर जब ये हमला हुआ और 8:10 यानी कि 2 घंटे के ड्यूरेशन में सारे ऑपरेशन को जो यहाँ पर बचाव ऑपरेशन था उसको पूरा कर लिया गया और उसके बाद जो हॉस्पिटल है, चाहे वो जम्मू का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हो, कटरा का जो नारायणा हॉस्पिटल हो या यहाँ का जो स्थानीय अस्पताल है, इन 3 जगह पर जो है लोगों को रेफर किया गया। जो ज़्यादा गंभीर लोग हैं उन्हें जम्मू या नारायणा हॉस्पिटल जो कि यहाँ कटरा में है वहाँ पहुँचाया गया और जो लोग मामूली तौर पर जख्मी थे उन्हें यहाँ के स्थानीय अस्पताल में भर्ती किया गया है और उनका इलाज जो है आज भी चल रहा है और उम्मीद ये की जा रही है कि जिन्हें मामूली चोटें लगी है उन्हें आज शाम तक अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा सकता है। ठीक है अजय, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। एक और बड़ी खबर दे देते हैं। रियासी के जंगल को सेना ने घेर लिया है। दरअसल वहां पर आर्मी का बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका है। जानकारी है कि ड्रोन से जंगल की निगरानी की जा रही है। हमले वाली जगह पर सेना के अधिकारी भी इस वक्त मौजूद है। सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका है, आर्मी का ये बड़ा सर्च ऑपरेशन इस वक्त वहां पर चल रहा है। ड्रोन से पूरे जंगल की निगरानी हो रही है। रविवार को जम्मू के रियासी के पौनी में यात्री बस पर हुए हमले के बाद किस तरह से आज सुबह अब सेना ने मोर्चा संभाला है, ये आप अपने टीवी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं और ये वही जगह है जहां पर रविवार को 6:10 पर आतंकियों ने घात लगाकर एक यात्री बस पर हमला किया था जो शिवखोड़ी से कटरा की तरफ जा रही थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं उन आतंकियों को तलाशने के लिए किस तरह से उस पूरे इलाके को सेना ने घेरा है जहाँ पर यह हमला हुआ है और लगातार यहाँ पर जो है आर्मी की टीमें पहुंची हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से बख्तरबंद गाड़ियों में ये टीमें यहाँ पहुंची है और उस पूरे हाईवे को सेना ने घेर लिया है जहां पर रविवार को यह हमला हुआ था। यहां पर दरअसल इस हमले के बाद क्योंकि 6:10 का समय था और उसके बाद रात हो गई तो सुरक्षा बलों ने इस पूरे पौनी के जंगल को घेर कर रखा था और अब जैसे ही थोड़ी रोशनी हुई है तो यहां पर जो है सेना पहुंची है, सेना के जवान पहुंचे हैं ताकि इस पूरे जंगल को कॉर्डन किया जाए और यहां छिपे आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। आधुनिक हथियारों से लैस ये जवान यहां पर उस पूरे हाईवे को घेर कर खड़े हैं जहां पर यह हमला हुआ था और जहां से ये बस नीचे खाई में गिरी थी। तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं कि किस तरह सेना के ये वीर जवान यहां पर खड़े हैं और लगातार अब उन आतंकियों को इंतकाम तक पहुंचाने की बारी है जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ है जवाहर एबीपी न्यूज़ पौनी। बहुत बड़ा एक्शन लिया जा रहा है।
और चलिए एक और बड़ा अपडेट देते हैं। बड़ी खबर ये है कि एबीपी न्यूज पर अटैक से पहले का सीसीटीवी फुटेज है। सड़क पर दौड़ती बस का वीडियो सामने आया है जो कि हम आपको दिखाएंगे। देखिए हमले से 10 मिनट पहले का सीसीटीवी फुटेज आपके सामने हमने रखी है और देखिए सड़क पर किस तरीके से ये बस दौड़ती हुई दिखाई दी। बताया जा रहा है कि उसी वक्त फायरिंग की गई जिसके बाद बैलेंस बिगड़ा और बस खाई में जा गिरी। घात लगाए आतंकियों ने बस पर अटैक किया और हमले से पहले सिर्फ 10 मिनट पहले की जानकारी मिल रही कि 10 मिनट पहले का ये सीसीटीवी फुटेज था। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए हमले से ठीक 10 मिनट पहले की ये जो तस्वीर है ये आप देख रहे हैं। किस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये बस आगे की तरफ बढ़ रही है। बताया जा रहा है कि घात लगाकर इसी इलाके में आतंकी बैठे हुए थे और वो बस पर अटैक कर देते हैं जिसके बाद बस डिसबैलेंस होती है और खाई में जा गिरती है। इसी बस पर अटैक हुआ जो ये बस आप देख रहे हैं। तीर्थ यात्रियों से भरी ये बस थी और इसी बस पर अटैक किया गया। हमले से 10 मिनट पहले का ये सीसीटीवी फुटेज है। हमारे जो सहयोगी ग्राउंड पर है वो लगातार रिपोर्ट भी वहां से कर रहे हैं और एक और रिपोर्ट अजय बासलु की आपको दिखाते हैं। रविवार शाम करीब 6:10 पर जम्मू के रियासी के पोनी में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ। इस बार आतंकियों के निशाने पर एक बस थी जिसमें श्रद्धालु भरे हुए थे। ये बस शिवखोड़ी से कटरा की तरफ जा रही थी। एबीपी न्यूज पर अब आप हमले से कुछ मिनट पहले की उस बस की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा एक्सक्लूसिव एबीपी न्यूज पर, जो बस हादसे का शिकार हुई। ये जो सड़क आप देख रहे हैं ये शिवखोड़ी से कटरा की सड़क है और इसी सड़क पर जो स्क्रीन आप देख रहे हैं यहां से चंद कदम दूर ही ये बस हादसे का शिकार हुई। ये बस श्रद्धालुओं को लेकर शिवखोड़ी से कटरा जा रही थी। ये देखिए यही वो बस है जो यहां जिसे आतंकियों ने अपना निशाना बनाया और इस मोड़ के कुछ ही दूरी पर इस बस को आतंकियों ने निशाना बनाया। जिस तो सुरक्षा बलों ने इलाके में चौकसी बढ़ा दी है, चप्पे चप्पे पर निगरानी भी की जा रही है। किस तरीके के वहां पर इस वक्त हालात हैं, किस तरीके से निगरानी हो रही है आपको दिखाते हैं। रविवार शाम 6:10 पर जम्मू के रियासी के पोनी में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने यहां छिपे आतंकियों को घेरने के लिए पूरी रणनीति बना ली है।